गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 11. इट इज़ आवर लास्ट चैप्टर फ्रॉम आवर सिलेबस ईयरली. वेयर आर वी? ओके, सो जो दिस काइट नाइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हियर इज 11.1 एक्टिविटी. लिस्ट फोर थिंग्स दैट यू यूजुअली सी इन द स्काई. फोर थिंग्स आपको यहाँ राइट करना है जो आप यूजुअली क्या कर सकते हो, रात में स्काई में देख सकते हो. एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम, और आप उनके बारे में क्या सोच रखते हो. सो आफ्टर दिस एंड हेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वंडर अबाउट देम. जब आप ये फोर थिंग्स को स्काई में देखते हो, सो व्हाट डू यू वंडर अबाउट देम, तो आपको देखकर क्या वंडर हुआ, क्या आश्चर्यचकित आप रहे. एंड व्हेन वी लुक एट द नाइट स्काई वी सी मैनी स्टार्स. जब हम रात को नाइट में स्काई को देखते हैं, वी सी मैनी स्टार्स, तो हम देखते हैं कई तारों को हम देख सकते हैं. एंड इफ़ वी आर आउट इन एन ओपन स्पेस लाइक अ फील्ड और अ बीच, वी मस्ट सी थाउजेंड्स ऑफ देम. अगर हम ओपन स्पेस को किसी फील्ड में से कहीं बीच पे से देखते हैं, सो वी मे सी थाउजेंड्स ऑफ देम, तो हम बहुत सारे स्टार्स को देख पाते हैं. सो इन अ टाउन और सिटी वी मे नॉट सी एज मैनी स्टार्स बिकॉज द सिटी लाइट्स क्रिएट अ ग्लो इन द स्काई हाइडिंग मैनी ऑफ देम. इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी ऐसे स्थान पर होते हैं, किसी ऐसे प्लेस पे होते हैं, किसी ऐसे फील्ड और बीच पर होते हैं जो कि एक ओपन स्पेस है, जब हम वहाँ से क्या करते हैं, स्काई को देखते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं कंपैरिजन टू इन टाउन इन सिटी. अगर हम किसी सिटी से, किसी टाउन से देखते हैं, अपने होम से देखते हैं, तो हमें वो स्टार्स बहुत सारे नहीं दिखाई देते बिकॉज द सिटी लाइट्स क्रिएट अ ग्लो इन द स्काई हाइडिंग मैनी ऑफ देम. क्योंकि जो सिटी लाइट्स होती हैं वो एक ग्लो जो है क्रिएट करती है स्काई में और बहुत सारे स्टार्स को हाइड कर देती हैं. सो आफ्टर दिस स्टार्स. ओके, सो टुडे वी विल रीड अबाउट द स्टार्स. सो स्टूडेंट्स, स्टार्स आर जायंट बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, जो कि जायंट बॉल्स हैं, गर्म बॉल जिसे हम कह सकते हैं. द एमिट देयर ऑन लाइट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जिनकी खुद की क्या है, लाइट है. द एमिट देयर ऑन लाइट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं और स्काई में इस बहुत सारे स्टार्स होते हैं. सो वी नो दैट द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, और हमें पता है कि सन जो है वो भी एक स्टार है. तो इट इज़ द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, इसलिए ये हमारा सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम में स्टार जो है, सन जो है वो भी एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है. And it is just one of the uncountable stars we see in the sky. The sun looks bigger and brighter than other stars because it is the closest star to our earth. तो जो सन है वो एक स्टार है, और ये एक ऐसा स्टार, सॉरी, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द अनकाउंटेबल स्टार्स वी सी इन द स्काई. हम बहुत सारे स्टार्स को स्काई में देख सकते हैं जो कि बिल्कुल अनकाउंटेबल हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. एंड द सन लुक्स बिगर, जो सन है वो बहुत ज़्यादा बिगर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देता है देन अदर स्टार्स, अदर स्टार्स के कंपैरिजन में. सो बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, ये बिल्कुल क्लोजेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के. डिड यू नो दैट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स समटाइम फॉर्म इंटरेस्टिंग शेप्स और फिगर इन द स्काई. क्या आपको ये पता है कि स्टार्स का ग्रुप कभी कभी इंटरेस्टिंग शेप्स बनाता है? यस, ऐसा होता है. ऐसा नहीं होता कि हम जब रात में होते हैं हमारे टेरिस पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ हम इजीली स्काई को देख पाते हैं, तो हम स्काई को देख के कहते हैं देखो वो रैबिट बन रहा है, देखो वो कोई एनिमल का शेप है, वो कोई टेडी बियर का शेप है.
वो कोई फ्लावर का शेप बन रहा है, इस तरीके से हमें क्या होता है कुछ शेप्स दिखाई देते हैं. सो समटाइम्स दीज शेप्स में रिजेंबल एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स एज आई ऑलरेडी टेल यू. जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ शेप्स जो होते हैं वो रिजेंबल होते हैं कि एनिमल्स के, ऑब्जेक्ट्स के. सो वी कैन मैक कट दीज शेप्स बाय कनेक्टिंग द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उन शेप्स को किसी से कनेक्ट कर सकते हैं विद द इमेजिनरी लाइन. सम ऑफ दीज शेप्स हैव बीन गिवन स्टैंडर्ड नेम. तो उन कुछ शेप्स को क्या किया गया है, कुछ नेम दिए गए हैं. देखें आप, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स इन अनोन शेप और फिगर एंड हैज़ बीन गिवन अ नेम इज नॉन एज अ कॉन्स्टेलेशन. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स का ग्रुप जो कि क्या अपीयर कर रहा है, कोई शेप अपीयर कर रहा है, कोई फिगर अपीयर कर रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कॉन्स्टिलेशन के नाम से जानेंगे. सो टू एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिलेशन आर शॉन फिगर वन, दिखे बिग डिपर एंड ऑरियन. ये क्या है, ये कॉन्स्टिलेशन है. क्या है ये कॉन्स्टिलेशन है जिन्हें हम कुछ नाम से जानते हैं. देखें आप, बिग डिपर एंड ऑरियन. सो दिस कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेवन स्टार्स. तो क्या हुआ, बिग डिपर और ऑरियन, ये क्या हुआ, ये कॉन्स्टिलेशन हुआ. सो दिस कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेवन स्टार्स इज नॉन फॉर इट्स स्पैन विद द हैंडल अपीयरेंस इट हेल्प अस फाइंडिंग नॉट. तो जो कॉन्स्टिलेशन है सेवन स्टार का, उसे हम पैन विद अ हैंडल के नाम से जानते हैं. और ये क्या हेल्प कराता है, हमें नॉर्थ डायरेक्शन को ढूंढने में हेल्प कराता है. एंड दिस कॉन्स्टिलेशन, विच कॉन्स्टिलेशन, ऑरियन. दिस कॉन्स्टिलेशन इज शेप्ड लाइक अ मैन होल्डिंग अ बो एंड अ एरो. मीन्स ऑरियन जो कॉन्स्टिलेशन है वो इस तरह के शेप का होता है जैसे कि मानो एक मैन ने बो और धनुष और बाण, बो एंड एरो को क्या कर रखा है. तो ये क्या है, ऑरियन का शेप है. This constellation is shaped like a man holding a bow and arrow. This is one of the easiest constellation to identify. और ये जो constellation है वो सबसे easy constellation है जो कि आसानी से पहचान में आ जाता है. After this, materials are meteoroids that moves closer to earth. यानी उल्का पिंड, क्या कहेंगे, उल्का पिंड. ओके, सो मेटेरोस जो है वो मेटेरॉइड्स हैं जो कि अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. प्लैनेट्स जो है वो हेवनली बॉडीज होते हैं जो कि सन के अराउंड अराउंड क्या रहते हैं, रिवॉल्व होते हैं. Here is meteoroids are pieces of rocks that break away from asteroids. Meteoroids जो हैं वो rocks के pieces होते हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं. So meteoroids are pieces of rocks that break away from asteroids. Meteoroids जो हैं rocks के pieces होते हैं, ठीक है. एंड एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स फाउंड इन स्पेस. एस्टेरॉइड्स जो हैं स्मॉल पीसेज होते हैं रॉक्स के जो कि स्पेस में मिलते हैं. एंड कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस. कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट. कॉमेट्स जो हैं वो किसके मिलकर बने होते हैं, डस्ट और आइस से मिलकर बने होते हैं. आफ्टर दिस हेयर इज़ अ एक्टिविटी. मोस्ट स्टार्स एक्सेप्ट द सन आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग नाइट. वाई, यानी ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं सन के अलावा जो कि रात में क्या होते हैं, विजिबल होते हैं. आपको यहाँ लिखना है रीज़न वाई. प्लानिट्स, वी नो दैट आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लानिट्स. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट्स. ये अपने ही कक्ष में, अपने ही ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं. प्लैनेट्स डॉट एमिट देयर ओन लाइट. प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती है.
मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैव वन और मोर नेचुरल सैटेलाइट्स. बहुत कुछ प्लैनेट्स एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ हैज़ वन मून, अर्थ पे एक मून होता है, वाइल जुपिटर हैज़ 79 एंड दीज नेचुरल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स. और वो नेचुरल सैटेलाइट्स जो है प्लैनेट्स के अराउंड अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होती रहती हैं. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इन 8 प्लैनेट्स के नेम को लर्न करेंगे. आफ्टर दिस कॉमेट्स. सो कॉमेट्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज डर्टी स्नोबॉल्स. जो कॉमेट्स हैं उनको कैसे रेफर किया जाता है बेटा, उन्हें हम कहते हैं कि वो आइस और डस्ट से मिलकर बने और उन्हें रेफर किया जाता है डर्टी स्नोबॉल, मीन्स गंदे बर्फ के गोले जो कि डर्टी आइस से मिलकर बनता है. एंड दे आर फाउंड ऑर्बिटिंग द सन बियॉन्ड नेपच्यून्स ऑर्बिट. जो कि कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड ऑर्बिटिंग द सन, सन के ऑर्बिट में, जो कि किसके परे होता है, जो नेपच्यून ऑर्बिट के परे होता है. एज अ कॉमेट मूव्स क्लोजर टू द सन, कॉमेट जैसे ही क्लोज आता है सन के, मूव करता है कॉमेट सन के क्लोज आकर, सो इट बिकम्स हॉट एंड बिगिंस टू बर्न. और इट बिकम्स हॉट तो वो हॉट हो जाता है और जैसे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. एंड एज इट मूव्स क्लोजर इट फॉर्म्स ए टेल बिहाइंड इट. और जैसे ही ये उसके पास आता जाता है, इट मूव्स क्लोजर इट फॉर्म्स अ टेल, जो कि टेल को फॉर्म करता है बिहाइंड इट, उसके पीछे. एस्टेरॉइड्स, तो देखिए कॉमेट्स हो गया, नाउ एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स फाउंड इन स्पेस, जो कि कहाँ मिलते हैं, स्पेस में मिलते हैं. दे आर इरेग्युलर इन शेप, जो कि शेप में इरेग्युलर होते हैं. एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्टेरॉइड्स आर फाउंड ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, थाउजेंड्स एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं, सन के ऑर्बिट में मिलते हैं. एंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, वो क्या कहलाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाते हैं. देख लीजिए मार्स और जुपिटर के बीच में जो इस तरह की बेल्ट दिखाई दे रही है वो क्या है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट है. ओके बेटा, तो ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा है, समझने लायक है. आप आराम से इसके प्लैनेट्स को लर्न कीजिए, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है. सेकंड वीडियो में अपन ये चैप्टर फिनिश करके अपना क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू कर लेंगे. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.